मैं वैद्य शुभ मंगला आचार्य आयुर्वेदिक परंपरागत स्वास्थ्य संबंधित शरद ऋतु की नवरात्रि के तृतीय दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहली नवरात्रि को हिमालय की गोद में माँ शैलपुत्री के दर्शन करते हुए कल हमने माँ ब्रह्मचारिणी के आध्यात्मिक स्वरूप को माना महिमा के बारे में सुना। लोक आयुर्वेद कॉन्सेप्ट बेस्ड नवरात्रि के तीसरे दिवस नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को भावपूर्ण भक्ति अर्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत मैं धन्वंतरी स्तवन से शुरू करती हूँ। ओम शंखम चक्रम जलोकम दधतम अमृत कुंभम चारुदोर्भि चतुर्भि सूक्ष्म स्वच्छाति हृद्यम सुख परिविलसनम मौलिम अंभोजनेत्रम कालांबोदोज्वलांगम कटितट विलसनम चारु पीतांबराध्यम वंदे धन्वंतरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निनीलं वंदे धन्वंतरिं वंदे। थैंक यू। मैं वैद्य शुभ मंगलाचार्य बेंगलुरु से अभी जुड़ी हूँ और मैं लोक आयुर्वेद के कर्नाटक स्टेट के प्रतिनिधि हूँ। रोज की तरह आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हितेश जानी जी, जो एक निष्णात आयुर्वेद तज्ञ हैं और अद्भुत आयुर्वेदिक स्टाइल के नवरात्रि उत्सव समारोह के प्रणेता है। आज के हमारे विशेष अतिथि सहज ध्यान योग और योगा स्पेशलिस्ट माननीय श्री चंद्रकांत भाई शुक्ला जी, वो तो यूके से जुड़े हैं। दूसरा हमारे गेस्ट है हैदराबाद की विशिष्ट एनजीओ नेचुरल इको लिविंग ग्रुप NELG के सर्वप्रथम स्वयंसेवक और NELG के पुरस्कृतों की श्री सुधीर NELG भी जुड़े हैं। शरद ऋतु के उपयोगी योग आसन प्राणायाम के लिए हेमांगी बेन दवे योग विशेषज्ञ जामनगर से जुड़े हैं और भूमि जी रावल संगीत विशारद शरद ऋतु के उपयोगी राग सुनाने के लिए जामनगर से जुड़े हैं। हम इस महामारी के समय भारत के सर्वप्रथम आयुर्वेदिक कोविड हॉस्पिटल जो NGO इस नाम है शतम आयुर्वेदा जो राजकोट में है उसके आज उसे वैद्य हमें उधर से सुनेंगे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर फोरम कानानी के एक्सपीरियंस और उनके साथ दो कोरोना सक्सेस स्टोरीज। आप सब विशेष अतिथि पैनलिस्ट और जूम के यूट्यूब व्यूअर्स का स्वागत है। थैंक यू नीलम जी, ओवर टू यू। या थैंक यू, आप सबको नमस्ते। तो आज शुरू करते हैं हमारा तीसरा सत्र। जो लोग यूट्यूब से जुड़ ना पा रहे हों तो वो जूम ऐप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी मीटिंग ID और पासवर्ड ब्रोशर में दी गई है और लिंक्स भी ग्रुप्स में भेजे गए हैं। ये हमारे लिए एक्चुअली गर्व की बात है कि लोक आयुर्वेद द्वारा चलाई जा रही इस नवरात्रि वेबिनार सीरीज के विशेषताएं के बारे में ऑल इंडिया रेडियो ने भी पूरे भारत को बताया है। उन्होंने बताया कि भारत के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हितेश जानी जी अपने लोक आयुर्वेद कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस महामारी के टाइम में आई इस नवरात्रि को आयुर्वेद से जोड़कर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी भी ज्ञान दे रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि ऑल इंडिया रेडियो ने रोज उनका प्रसारण ये करते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम सब अपनी बातें निर्विघ्न पूर्ण रखें। बीच में नेटवर्क इश्यूज के लिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आयुर्वेद गुरु डॉक्टर हितेश जानी जी एक निष्णात आयुर्वेदाचार्य हैं, गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठ के एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं। जो लोग आज नए जुड़े हैं उनको मैं फिर से बताना चाहूंगी, हितेश सर पिछले 18 वर्षों से माँ दुर्गा की उपासना करते हुए 9 दिन मौन में रहते हैं और ग्रंथ के भी अध्ययन करते हैं और 10वें दिन समाज के लिए कुछ भी आयुर्वेद के बारे में एक नया संदेश लेके आते हैं। लेकिन इस बार कोविड की व्यवस्था के कारण उन्होंने इस बार की नवरात्रि के 9 दिन मौन ना रखने का निश्चय किया और ये एक्चुअली हमारे लिए वरदान रूप भी है, क्योंकि लोक आयुर्वेद
वेलनेस कॉन्सेप्ट द्वारा प्रस्तुत मार्कंडेय पुराण के शरद ऋतु वाली नवरात्रि के पीछे की अनसुनी स्वास्थ्य की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आज आइए सुनते हैं हम सबके आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हितेश जानी की जुबानी आज की तृतीय दिवस की देवी चंद्र घंटा की औषधि के बारे में संक्षिप्त में। डॉक्टर हितेश जानी जी, सभी को नमस्कार। ऑडिबल विजिबल दोनों है ना? हाँ जी सर। खास करके आज आप तो मुझे आयुर्वेद गुरु कहते हैं, लेकिन मेरे गुरु मेरे सामने हैं यूनाइटेड किंगडम लंदन से, श्री चंद्रकांत भाई, जिनकी प्रेरणा से मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा। उन्होंने जो हमको ज्ञान दिया, संस्कार दिया, खुद तो एक अद्भुत आध्यात्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति है, वो जो बताएंगे तो पता चलेगा। लेकिन जब वो सामाजिक व्यवस्था में यहाँ थे भारत में, तो हमें बहुत समय उन्होंने मार्गदर्शन किया। उनके सामने में कोई बड़ी बातें तो नहीं करूंगा मैं, तो मेरी आयुर्वेद की बात जरूर, जो मेरा अधिकार है वो बताऊंगा। हमारे बाकी भी गेस्ट है हैदराबाद से और बाकी भी डॉक्टर्स है पूरे देश से, तो मैं सबको नमस्कार कहते हुए हमारी ये तीसरी नवरात्रि माँ चंद्र घंटा की बात हम आयुर्वेद के संदर्भ में आज आने। जैसा अभी नीलम ने बताया कि हमारे 18 प्रमुख पुराणों में एक है मार्कंडेय पुराण, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था, सूत्र या मंत्र उसमें है। लेकिन उनकी जो फलश्रुति है या उनका जो एक दूसरा मीनिंग है, ये दुर्गा कवच के नाम से बहुत पॉपुलर है, ये दुर्गा के समय ये बोला जाता है, नवरात्रि का ये मुख्य कवच है, ये स्तोत्र है। लेकिन उनके पीछे जो एक आरोग्य की बात है, जो स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्माणी को और महर्षि मार्कंडेय जी को बताया था, तो मैं हर दिन उसमें से एक बात जो नवरात्रि है उस दिन की मैं चर्चा आपके सामने रखता हूँ। ये दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहते हैं, कवच यानी प्रोटेक्शन। जैसे मैंने पहले दिन बताया कि कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल था, हम कहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं तो शरीर को ठीक रख सकते हैं, लेकिन आपके आपके मन को कुछ ऐसे विचार आते हैं या शरीर के ऊपर तो हमला होता है, तो आप बुलेट प्रूफ जैकेट से या कवच से उसको रोक सकते हो, लेकिन मन के ऊपर जो ऐसे घात प्रतिघात आघात होते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, और हमको पता ही नहीं है। हम ऐसे मस्तिष्क में जो प्रवेशने वाले ऐसी बुरी आत्माएं या गलत कोई चीज है या गलत विचार कैसे प्रवेश होते हैं और उसको कैसे खत्म करना, वो भारत के ऋषि मुनि को भी जानते थे, आज भी वो लोग बहुत जानते हैं, हम जाने अनजाने भी वही करते हैं। लेकिन वो शक्तिशाली मंत्रों के स्वरूप से हमारे सराउंडिंग में जो कुछ एक बाधा पहुंचाने वाले ऐसी कोई भी व्यवस्था को हम रोक सकते हैं, जो हर ऐसे मंत्रों में छुपी हुई है। दुनिया को अभी वो ढूंढना बाकी है, लेकिन मैं दुर्गा कवच या कवच की चर्चा इतनी नहीं करूंगा जितनी आज हमें करनी है। तृतीय चंद्र घंटा माता, आज जो माता जी का स्वरूप है, दुर्गा का स्वरूप तीसरा दिन का, वो चंद्र घंटा या उसको चंद्रसूर माता भी बोलते हैं। और आज मुझे खास, मैं तो आयुर्वेदाचार्य हूँ, थोड़ी बहुत चर्चा विषय में करता हूँ, लेकिन चंडीगढ़ से हमारी माननीय श्री विभा जी, जो अपनी एक बड़ी एनजीओ चलाते हैं, खुद भी प्रोफेसर है, पीएचडी है, फिजिक्स की प्रोफेसर है, लेकिन बहुत अध्यात्म में वो रुचि रखती है। उन्होंने मुझे बताया कि सर ये याद दिलाना कि आज प्रसूता माता के लिए आज की पूजा खास समर्पित है। तो वो क्या व्यवस्था हमारे लोगों ने बनाई थी, वो ऐसे जब लोग बोलते हैं, बात करते हैं, परंपरा निभाते हैं, तब पता चलता है। तो कुछ बात में उसका औषधीय स्वरूप, आयुर्वेदीय स्वरूप चंद्र घंटा माता का मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो तृतीय नवरात्रि चंद्र घंटा माता की है, चंद्रसूर चमसूर ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो एक ऐसा पौधा है जो धनिया जैसा दिखता है, यानी वो तो भाजी है। इस पत्ते की सब्जी बनाई जाती है, वो अच्छी सी भाजी बनती है, वो ओबेसिटी दूर करती है, और खास करके जो महिला प्रसूता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान भी उनका 10 केजी तकरीबन वजन बढ़ता है और प्रसूति के बाद और बढ़ सकता है, तो वो भाजी उस प्रसूता महिला को 45 दिन तक खिलाई जाती है। और भी उसके जो बीज है उसकी भी चर्चा करूंगा।
और वैसे तो वो शक्ति बढ़ाने वाले उसके बीज है, चर्महंति है, हार्ट को ठीक करने वाली। तो इस तरह से ये चंद्रघंटा माता जो है वो खास करके प्रसूता स्त्री के लिए और बाकी जो औषधि होगा, ये आप देख सकते हैं। ये जो बाजी है, ये बाजी, ये सब्जी लोग बहुत कम अभी शुरू है खाने का, क्योंकि हम सो कॉल्ड वेस्टर्न लाइफस्टाइल में फंस चुके हैं। उनको लगता है ऐसा क्या भाजी, बहुत तो स्पिनच के बारे में मालूम है, कभी कोरिंडर लीव्स के बारे में थोड़ा बहुत हमारी महिला जानती है, लेकिन कभी मौका मिला तो आपसे मैं 100 प्रकार की भाजी जो आयुर्वेद में वर्णित है एक एक के बारे में बता सकता हूँ। इतनी भाजियों का वर्णन है। और आज भी आप अगर जाओ निवासी विस्तारों में या ठीक ग्रामीण विस्तारों में, तो वहां के लोग बाजी जानते हैं कितने प्रकार की है, वो खाते हैं। कभी आपने वनवासी लोग, आदिवासी लोग को चश्मा पहनते हुए देखा है? नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन सी बाजी खाने से नेत्र की ज्योति बनी रहती है। और हम लोग शहर में रहने वाले लोग, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा के नंबर आ जाते हैं, हम ग्लासेस लगाते हैं। तो ये गार्डन क्रेस सीड्स जो है चंद्रसूर, वो एक बाजी है, वैसे उसकी सब्जी तो होती है। उसका जो बड़ा हिस्सा है, ये जो उसका बीज है, जिसको असेरी बीज, असेरिया बीज, गुजराती में भी उसको असेरिया कहते हैं, तो अशेरी या असेरिया, वो बड़ा उसका, जब बाजी बहुत पकने लगती है जमीन में, तब उसमें से बीज आने लगते हैं। और बीज जैसे धनिया का बीज बनता है, कोरिंडर लीव में से कोरिंडर सीड बनता है, उसी तरह से ये चंद्रसूर बाजी के फिर बीज लगते हैं, उसको कहते हैं असेरिया। और वो बीज बहुत बड़ी काम की चीज है। चंद्रसूर या चंद्रसूर, चंदूसूर, ऐसे बहुत से नाम है। ये बाजी है, बाजी के बीज होते हैं, असेरिया असेरियो कहते हैं। असेरिया का काढ़ा हिचकी में, कब जब मिटती नहीं है, ठीक नहीं होती है, मलेरिया की दवाई खाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज खाते हैं, तब हमको हिचकी होती है। और वैसे भी कभी अपाचन की वजह से हिकअप होता है, तो हिकअप में बिल्कुल सिंपल इसका काढ़ा पिला सकते हैं। सूखी खांसी इन दिनों में शरद ऋतु में बहुत होती है, और जिसमें कफ नहीं निकलता, लेकिन सूखी खांसी में इसका काढ़ा का प्रयोग होता है। खास करके कमर दर्द में, साइटिका में इसका इलाज किया जाता है। इससे उसका काढ़ा गुड़ के साथ दिया जाता है और उसका पाक बना के दिया जाता है, जो शायद आपको मालूम होगा, जो प्रसूता स्त्री को काटलू बत्रीसू जिसको गुजरात में कहते हैं, एक खास प्रकार का पाक बनता है। उसमें 51-52 प्रकार के हर्ब्स और पत्ते और खास करके सूखे मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, तो 45 डेज तक दिया जाता है। उसमें या सेरियो ये बीज प्रसूता स्त्री को दिया जाता है, तो उनके जो धातु का क्षय हुआ है उसमें वो फायदा करता है। और वो खास करके प्रसूता माता को बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे का स्तनपान करके उसका लालन पोषण करना, उसका विकास करना, तो स्तन्य वृद्धि करता है इसलिए, और प्रसूता माता का वजन कम करता है, गर्भाशय को मूल स्थान में लाता है, क्योंकि 9 महीने तक बच्चे का साइज बढ़ते बढ़ते गर्भाशय बहुत फूल जाता है, और वो उसका जो अपने पार्ट्स है, प्राइवेट पार्ट्स है, और अपनी कमर है, वो बहुत उसमें दर्द होता है। तो ये प्रसूता माता के लिए चंद्रसूर का महिमा। मैं फिर से मन्य विभाजी का शुक्र गुजार हूँ। मैं जानता था, लेकिन वो जब बताया कि ये प्रसूता माता के लिए ये कमिटेड है आज का दिन, तो वो मैंने आपके सामने रखा। आगे की जो बात होगी वो आपके सामने रखा। आज की जो वनस्पति है वो है चंद्रसूर असेरियो। तो आज की माता जी ने हमको ये मैसेज दिया कि ये वनस्पति का उपयोग करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, या कुछ बीमारी होगी तो उससे हम ठीक हो पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वाओ, इट वाज अ वंडरफुल चीज हमको एक पता चली अबाउट चंद्रघंटा हर्ब, और स्पेशली हम तो गुजराती में सब अशेरिया तो बहुत ठंडी के सीजन में खाते हैं, तो इसके बारे में भी पता चला। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी महामारी में भी हम इस नवरात्रि त्योहार को सार्थकता पूर्वक मना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, आयुर्वेद के साथ योग प्राणायाम का साथ हो तो इस महामारी दरमियान ये नवरात्रि लाभकारी भी हो जाएगी। हमारी अगली वक्ता हेमांगी बेन दवे, जो बीएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन में अभ्यास किया है और एक योग प्रशिक्षा है, आइए बिना समय गवाए उनको अगले 5 मिनट तक सुनते हैं। ओवर टू हेमांगी बेन दवे।
म्यूट करिए हिमांगी बेन। नमस्कार, मैं हिमांगी दवे जामनगर से। आज हम बात करेंगे नवरात्रि और लोकायुर्वेद प्रकल्प में नवरात्रि और योग के बारे में। आज है शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन। इस दिन के नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी है माँ चंद्रघंटा देवी, जो कि मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। मणिपुर चक्र का स्थान है नाभि प्रदेश। यह हमारे शरीर में सूर्य का स्थान भी है। जैसे कि हमने कल बात की थी कि जितना कुछ ब्रह्मांड में जो है वह सभी हमारे शरीर में भी है, इसीलिए इस चक्र को नाभि चक्र और सूर्य चक्र भी कहा जाता है। यह अग्नि तत्व प्रधान चक्र है, यानी कि हमारे शरीर में अग्नि का स्थान है। इसे जागृत करने से हमारे शरीर में अग्नि तत्व का बैलेंस होता है और पाचन दीपन की प्रक्रिया सही रहती है, जिसकी वजह से तीनों दोष सही बैलेंस में रहते हैं और रोग की परिस्थिति निर्माण नहीं होती। क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है कि जब भी आपके शरीर में तीनों दोष समान हो तो आप निरोगी कहलाते हो। अभी क्या है, शरद ऋतु चल रही है तो पित्त प्रकोप ज्यादा बढ़ता है। उसी की वजह से जैसे कि एसिडिटी है, खट्टे डकार आना है, नींद नहीं आना यानी कि अनिंद्रा, और खास करके लेडीज के लिए मेनोपॉज में जो हॉट फ्लैशेज और एसिड रिफ्लक्स इसकी प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करने के लिए भी इस चक्र के एनर्जी को बैलेंस करना जरूरी है। मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान करने से और मणिपुर चक्र को अफेक्ट करने वाले, जागृत करने वाले जो भी आसन है, मुद्रा है, प्राणायाम है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले सन सैल्यूटेशन यानी कि सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के जो 12 पोजेस है, पोस्चर्स है, पहला जो है प्रणामासन, दूसरा उत्तान हस्ताशन, तीसरा पाद हस्ताशन, चौथा अश्व संचालनासन, पांचवा पर्वतासन, छठा जो पोज है अष्टांग नमस्कार आसन, सातवां पोज है भुजंगासन, आठवां अधोमुख श्वानासन, और फिर रिपीट होता है अश्व संचालनासन, पाद हस्ताशन, उत्तान हस्ताशन और फिर से प्रणामासन। प्रातः काल में जल्दी उठकर अगर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और साथ साथ में धनुरासन, नौकासन, कर्ण पीड़ासन, उष्ट्रासन और शशांकासन, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सभी पोजिस, उसका हम अगर अभी अभ्यास करते हैं तो मणिपुर चक्र की एनर्जी बैलेंस होती है और वहां के ऑर्गन्स को बहुत फायदा मिलता है, खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को। कफ भी कम हो जाता है, क्योंकि जब पाचन सही नहीं होता है तो शरीर के अंदर कफ बनता है हम जो खाते हैं उससे। आगे हम बात करें अगर मणिपुर चक्र के संबंधित मुद्राओं की, तो मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए जो मुद्रा है वो है सूर्य मुद्रा और मातंगी मुद्रा। सूर्य मुद्रा और मातंगी मुद्रा का अभ्यास करने से हमें तनाव से मुक्ति मिलती है, पाचन तंत्र के ऑर्गन्स को फायदा मिलता है, हमारा जो लोअर बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम है उसका नरिशमेंट होता है। यह मुद्रा करने से हमें शांति का, कामनेश का अनुभव होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम और डिटर्मिनेशन बढ़ता है, यानी कि निश्चय शक्ति बढ़ती है क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम के लिए नाभि स्थान के ऊपर अपनी चेता को केंद्रित करते हुए एक गहरी सांस अंदर भरते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए धीरे धीरे सांस को अंदर भरना है। लंग्स आपके पूरे एक्सपांड रहने चाहिए, डायफ्राम नीचे जाना चाहिए और फिर अपनी क्षमता के अनुसार उसको रोकता हुए धीरे धीरे बाहर निकालना है। और इसका अभ्यास आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। इसे प्राण धारणा की प्रक्रिया भी कहा जाता है, इसे डायफ्रामिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार से नित्य योग, प्राणायाम और मुद्राओं के अभ्यास से हम इस शरद ऋतु में और हमेशा के लिए मन और तन का श्रेष्ठ स्वास्थ्य पा सके, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का, खास करके आयुर्वेद आचार्य श्री हितेश चानी सर का और आज के जो अतिथि विशेष है माननीय चंद्रकांत शुक्ल जी और आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। ओवर टू नीलम जी। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू हिमांगी बेन, और बहुत अच्छे से आपने मुद्रा प्राणायाम के विषय में हमको बताया। बहुत अच्छे और उपयोगी योग ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे शतम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर के हेल्थ वॉरियर हैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फोरम काणानी। वे एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं। स्क्रीन कर दीजिए हिमांगी जी। इतनी कम उम्र में ऐसी महामारी में देश की सेवा करना सराहनीय है। कांग्रेस एंड सल्यूट टू दिस हेल्थ वॉरियर। तो आइए सुनते हैं अगले 7 मिनट के लिए डॉक्टर फोरम जी और उनके साथ आए हुए 2 कोरोना सक्सेस स्टोरीज को। ओवर टू फोरम डॉक्टर। नीलम मैम, नमस्ते एवरीवन, जय धन्वंतरी एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। मैं डॉक्टर फोरम गांडाणी एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर मैं राजकोट में अपनी सेवा दे रही हूँ और मैंने अपना आयुर्वेद का अभ्यास गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से पूरा किया है और अभी मैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे शतम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर में अपनी फर्ज बजा रही हूँ। कहीं ना कहीं इस कोरोना की महामारी में सभी लोगों को आयुर्वेद के प्रति हमने जागरूकता दिखी है और वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने के लिए अपने आगे बढ़ रहे हैं। जब मुझे पता चला कि डॉक्टर हितेश सर जानी का एक संकल्प है कि कोरोना संक्रमित पेशेंट जो है उसको केवल आयुर्वेद से ट्रीट करना है और उसके नेतृत्व में एक आयुर्वेदिक कोविड सेंटर जो राजकोट में शुरू हुआ है, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं एक इस पार्ट का मैं हिस्सा बनूं। तो मैंने इसका जब मैं जुड़ी तो पेशेंट्स के जब मैंने कंप्लेंट्स देखी, उसके सिम्टम्स देखे, तो उसके मुताबिक हम जब उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे थे, उसके आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस दे रहे थे, तब हमें उसके केवल सिम्टम्स ही नहीं बल्कि जो उसके पुराने दूषित वात पित्त कफ है उसका भी हमें उसका प्रशमन होते हुए देखा है। हमने उसके जो आयुर्वेद के जो योग है उसका हमने प्रभाव देखा है। यहाँ सभी उम्र के पेशेंट्स है और जो बीपी, डायबिटीज, अस्थमा जैसी कोमोर्बिडिटीज उसके साथ है और जो पॉजिटिव आए है उसको भी हमने आयुर्वेद ट्रीटमेंट दिया है। हमने ऐसे कई पेशेंट को ट्रीट किया है और हमने यहाँ का ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया है कि पेशेंट रिलैक्स कर सके और हमने जो पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं उसको हम आयुर्वेद की जो दिनचर्या है उसका हम फॉलो करवाते हैं और वो पेशेंट्स पूरी अच्छी तरह से वो फॉलो करते हैं, वो योग ध्यान प्राणायाम करते हैं और जो हमारे वो लाइफस्टाइल एक्सपर्ट के जो होते हैं सेशंस उसमें वो अपना वो पार्ट लेते हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उससे मेंटली मोटिवेट करते हैं और उसको जो हमारा जो आयुर्वेद है वो अपने जीवन में कैसे उतार सके उसका वो मार्गदर्शन देते हैं। तो हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें यहाँ से हमारा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम पेशेंट्स को आयुर्वेदिक कोविड आयुर्वेदिक तरह से हम उसको कर सके। तो हमें मैं डॉक्टर हितेश जानी सर का, डॉक्टर वल्लभ कथीरिया सर का और कल्पक सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और आज मैं 2 पेशेंट्स को आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। उसमें से एक है मिसिस आरसी धामी, हु इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड रिसेंटली शिफ्टेड टू राजकोट एंड हर बिजनेस इज एसोसिएटेड विथ महिंद्रा कंपनी। सी इज हैंडलिंग एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इन हर बिजनेस। ओवर टू यू आरसी धामी। अनम्यूट कर दीजिए। आशीष जी आप खुद को अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा मैं कर दूँ, जस्ट एक सेकंड। नमस्ते, धन्यवाद। 10 दिन पहले जब भी मैं 15 दिन पहले जब भी मैं मेरे घर पे जब भी मेरा रिपोर्ट आया कि मैं पॉजिटिव हूँ
तो 5 मिनट के लिए मैं हिल गई थी कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि सभी जगह पे इतनी तकलीफ हो रही है सबको कोरोना में, और राजकोट में बहुत सारा कोरोना कोरोना हो रहा है, तो कैसे करेंगे। तभी मेरी एक आंटी है, उसने बोला हम लोग मुंबई से आए हैं, 1 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो बहुत जानकारी नहीं है राजकोट के लिए। पर तभी पता चला कि मेरी आंटी ने बोला कि ये बहुत अच्छा पैट्रिया सूट में आयुर्वेदिक का चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से सब लोग ट्रीट करते हैं। तो मैंने फोन किया, सबसे पहले जो फोन किया और डॉक्टर ईशा मुझे मिले, और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से, जब भी पॉजिटिव होते हैं तो मेंटली हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसमें डॉक्टर ईशा ने बहुत अच्छी तरह से जो बात की, तो मेरी अंदर डर कम हुई। उसके बाद हम लोग जहाँ मैं, मेरे बेटा और मेरे ससुर, हम लोग 3 जन पॉजिटिव वहां पे गए, पर हमको जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा, बहुत ही अच्छी तरह से। और आयुर्वेद आर्शिता में जी का आवाज इंटरनेट प्रॉब्लम तो डॉक्टर फॉरम दूसरा जो है उनको इंट्रोड्यूस करा दीजिए, तब तक मैं आपको अनम्यूट कर लीजिए। दूसरी है वो मिस्टर हेज धामी है और वो 17 साल के हैं और वो मुंबई में ही अपनी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहे हैं। ओवर टू यू हेज धामी। अर्शी जी आ गई हैं दोबारा, या तो एक बार ले लेते हैं उनको दोबारा। हाँ अर्शी जी आप प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट करना पड़ेगा। जस्ट सेकंड, आपके सामने अनम्यूट का होगा उस रेड बटन उसको। हाँ धन्यवाद। तो बहुत हम लोग 3 जन में, मेरे ससुर और मेरा बेटा, 3 जन वहाँ पे गए और बहुत अच्छी तरह से हमारी देखभाल की। आयुर्वेदिक के लिए बहुत पता नहीं था, पर उसका साइड इफेक्ट नहीं है वो पता था, तो इस लिए हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आज हम लोग इतने स्वस्थ हैं। हम लोग जब भी जहाँ सब लोग के पास देखते कि आफ्टर कोरोना भी उन लोग को बहुत तकलीफ हो रही है, जहाँ हमको एक भी तकलीफ नहीं है, एक भी कंप्लेन नहीं है, कोई दवा की साइड इफेक्ट नहीं हुई है। और सुबह शाम वहाँ पे जो सुबह रोज 1 कलाक का लेक्चर हुआ था, होता था, और शाम को 1 घंटे का जो योगा का प्रोग्राम होता था, उससे बहुत फर्क पड़ता था। 10 दिन के लिए हम लोग बहुत सारा आयुर्वेद को हम लोग जान पाए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो सब देखने के लिए देखना जानना सुनना। और जो मन में जो पॉजिटिविटी थी, मन में जो नेगेटिविटी थी, और हम लोग जब भी पॉजिटिव हुए थे और 10 दिन के बाद पूरी हम लोग नेगेटिव हो गए और हमारे मन में पॉजिटिविटी आ गई। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड और थैंक यू सो मच फॉर पेट्रिया और आयुर्वेद सेंटर। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉरम। मेरा दूसरा पेशेंट है वो मिस्टर हेज धामी, वो 17 साल के हैं और वो मुंबई में ही अपनी स्टडी कर रहे हैं। ओवर टू यू हेज धामी। नमस्ते। तकरीबन आई गेस 15 से 20 दिन पहले जब पेट्रिया शिफ्ट हुए थे, तभी फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से पॉजिटिव होके शिफ्ट हुए थे। और इससे पहले हमारे घर में ऑलरेडी 2 केसेस आ चुके थे हमारे खुद के घर में, इसलिए तभी हम लोग ने इस बीमारी को इतना हाइप करके रखा था कि हमें ये चीज नहीं टच करनी, वो चीज टच नहीं करनी। और आफ्टर कमिंग टू आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पे आके मतलब लगा कि यहाँ पे इस बीमारी को इतना सीरियसली लेना है, मगर इतना ध्यान भी रखना है, लेकिन इतना हाइप अप नहीं करना है कि हम ये टच नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते।
अगर हमें इस बीमारी से लड़ना है तो शांत तरीके से लड़ना है। और सतम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर ने हमारा बहुत बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की है एंड वी हैव एंजॉयड ईच एंड एवरी डे। और ऐसा लगा ही नहीं था कि हम हमें इस बीमारी के लिए यहाँ पे हम शिफ्ट हुए। हमें तो यहाँ पे बस इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ वेकेशन जहाँ पे हमें मेडिसिन ले रहे थे और कुछ नहीं। किन यहाँ का जो स्टाफ था जो डॉक्टर्स थे दिन में 5 बार आते थे और हमेशा पूछते थे कि कुछ और तकलीफ। और जो उनका हैप्पी एटीट्यूड था वो हम सभी को बहुत अच्छा लगता था कि ऐसे अगर कोई डॉक्टर हमें आके पूछते कि आपको कैसा है कैसा लग रहा है तो हमें भी अच्छा लगता है। एंड यहाँ द बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि हाँ इस बीमारी का आफ्टर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इस चीज की हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ी। क्योंकि मैं कई और लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोरोना से एलोपैथी की प्रोसीजर से उन्होंने ये कोरोना वायरस एलोपैथी से क्योर किया अपना और उन्हें थोड़ी थोड़ी साइड इफेक्ट्स लग रही थी लेकिन हमें इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं लगी। इसलिए थैंक यू सो मच, हमें बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। इस महामारी के समय में नवरात्रि के समय ऐसे ऑल एजेस बड़े से लेकर छोटों तक की सक्सेस स्टोरीज सुनकर आयुर्वेद पर और विश्वास आता है। तो आगे बढ़ते हैं। सुपाच्य ऋतु के अनुसार सही आहार और दिनचर्या का परफेक्ट कॉम्बिनेशन डाइट हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रज्ञा मेहता जी जो कर्णावती में स्थित निष्ठा आयुर्वेद और पंचकर्म सेंटर की CEO हैं और इस क्षेत्र में 20 वर्षों से काम कर रही हैं। अभी तक की शरद ऋतु स्पेशल पित्त शामक आयुर्वेद गुण संपन्न लौकी की स्वादिष्ट हलवा पटोल अवलेहम के बारे में सुना, तो आइए आज सुनते हैं शरद ऋतु स्पेशल रेसिपी ओदनम पायस जिसको हम चावल की खीर कहते हैं उसके गुणों के बारे में। ओवर टू डॉक्टर प्रज्ञा मेहता जी। नमस्कार, जय माता जी। माननीय मेरे गुरु डॉक्टर इतिश भाई जानी एंड चंद्रकांत भाई शुक्ला, आप सबको लोकायुर्वेद की तरफ से मेरा जय माता जी एवं जो श्रोतागण है सभी को जय माता जी। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। माता दुर्गा का चंद्र घंटा स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि ये तीसरे दिन है तो माँ को दूध एवं दुग्ध का आहार या उससे बनी हुई मिठाई या खीर का भोग लगाया जाए तो हमें धन वैभव एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज मैं आपके सामने लाई हूँ ओदनम पयस यानी कि चावल की खीर। चावल की खीर तो हम सभी घर में बनाते हैं, कई कई घरों में तो ये निवेद के स्वरूप में भी प्रस्तुत की जाती है, सब लोग खाते हैं, कभी कभी बच्चे नहीं खाते हैं लेकिन इसके फायदे क्या है अगर बताया जाए तो सब प्रेम से खाएंगे। और आयुर्वेद साइंस है, सभी प्रथाओं के साथ में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है तो आज मैं आपको बताऊंगी उसमें जो प्रयुक्त तो होने वाले पदार्थ है वो है दुग्ध है, चावल है, शक्कर यानी कि मिश्री है, इलायची है एवं कभी कभी उसके अंदर घी भी इस्तेमाल की जाता है। तो जो दुग्ध है आयुर्वेद में दुग्ध में बहुत सारा वर्णन किया बताया हुआ है। दुग्ध के बारे में अगर बोला जाए तो सभी के दुग्ध यानी कि गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध यानी कि हरड़ी का, हाथड़ी का दूध, स्त्री दूध सभी के वर्णन बताए हुए हैं। दुग्ध के अगर पर्याय देखा जाए तो दुग्ध क्षीर पयश और बाल जीवन ऐसा उसके पर्याय है, वो मधुर है, स्निग्ध है, जीवनी है, इसलिए ये दुग्ध का सभी जगह पे ये शरद ऋतु में प्रयोग बताया हुआ है। इसके साथ में शक्कर, शक्कर भी मैंने पहले भी बताया, माननीय हितेश भाई ने भी बताया कि शक्कर का इस्तेमाल करना चाहिए, खांड की जगह शक्कर का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उससे पित्त का शमन होता है, क्योंकि लघु और अपित्त शमन मधुर द्रव्यों का इस समय प्रयुक्त किया जाता है। और दुग्ध के बारे में तो आयुर्वेद में इतना सब कुछ बताया हुआ है कि कब कितना दुग्ध लेना चाहिए।
और किसको लेना चाहिए, किसका दुग्ध पीना चाहिए, ये सब कुछ बताया हुआ है। और इसके साथ में जो चावल लिया हुआ है, जो चावल है वो अग्नि को बढ़ाता है, पथ्य है, तृप्तिकारक है और रुचि उत्पन्न करने वाला है। जो हमारी जो सातों धातु है उसकी पुष्टि करता है। और जो दुबले लोग हैं वो अगर अपित के कारण किसी को निंद्रा नहीं आती है, किसी को कुष्ठता रहती है यानी कि शरीर दुबला पतला रहता है, शिरोशूल लेता है, अम्लपित यानी कि खट्टे डकारे आती है, जो सभी पित्त के रोग है। आपको पता है आयुर्वेद में वैसे पित्त के 40 रोग बताए हुए हैं, तो अगर 40 डिजीज जो पित्त से होने वाले हैं वो सभी में ये प्रयुक्त तो होती है। कहीं कहीं तो हम ये चावल की खीर है, इसके साथ में अगर कभी बनाया जाता है लौकी की खीर भी हम खा सकते हैं, परवल की खीर का भी इतना फायदा है और कुष्मांड की खीर भी बनाई जाती है उसका भी इतना फायदा है। अगर कई कई लोग पीत का जब हम इतनी बार बोलते हैं कि शरद ऋतु में पीत बढ़ जाता है, तो पीत यानी सिर्फ खट्टी डकारे आना वो पीत नहीं है। आयुर्वेद में पीत के 5 प्रकार बताए हुए है, पाचक पीत, ब्राजक पीत, रंजक पीत, आलोचक पीत एवं साधक पीत। ये सभी 5 पीत होते हैं, उसके अलग अलग कर्म होते हैं, वो जो कर्म के में बाधा आ जाती है तो उसके प्रकार उसका रोग आ जाता है। तो वो ना हो जाए, जैसे कि अभी हम कहीं जगह पे सुनते हैं कि चक्कर आना, भ्रम यानी कि किसी को बीपी घट जाना, बीपी बढ़ जाना, ये अभी ज्यादा हो रहा है। तो अगर इस समय बीपी बढ़ जाता है तो अगर हम शीत द्रव्य, मधुर द्रव्य, लघु द्रव्य का उपयोग करें तो उसमें फायदा होता है। अगर आपको आयुर्वेद के आधार पर बनी हुई वानगियां और ये क्यूल खानी है, कैसे खानी है, किस ऋतु में खानी है, ये सब जानना है तो आप लोकायुर्वेद में जरूर से संपर्क करें। माँ दुर्गा आपको स्वस्थ रखे। जय दुर्गा। हमने जो अभी एक स्लाइड देखी लास्ट, मैं आपसे जस्ट शेयर करूंगी। ये गुजरात टूरिज्म वर्कशॉप बेस्ड ऑन आयुर्वेद कॉन्सेप्ट कंडक्टेड एट MTV राजकोट में इस शरद ऋतु में। MTV में ये आयुर्वेद की थाली, जिसको बोलते हैं शरद ऋतु वाली आयुर्वेद की थाली, तो ये सब मेनू हमने अभी लोक आयुर्वेद के द्वारा MTV में गुजरात टूरिज्म के वर्कशॉप में रखा था इस शरद ऋतु में। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक शरद ऋतु की रेसिपी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत कृषि प्रधान और गौ माता के से समृद्ध देश है। गौ माता का महत्व और उनके विशिष्ट गौ विज्ञान के आगे सुनते हैं अनसुने सच डॉक्टर हितेश सर के मुख से। डॉक्टर हितेश सर। फिर से आपको नमस्कार। और एक जो बात अभी नीलम ने बताई कि गाय के बारे में या गौ विज्ञान के बारे में कुछ न कुछ हम नई चीज कहते हैं, तो आज मैं एक ऐसा विषय जो पौराणिक विषय है लेकिन बहुत बड़ा रिसर्च के बाद आपके सामने हम रख रहे हैं। गौगुरुत्व और मंदिर के सुवर्ण कलश का क्या संबंध है? आपने बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे, द्वारिकाधीश का या सोमनाथ का या मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर। मुझे तो याद है, मैं मान्य चंद्रकांत भाई और हम डॉक्टर संजीव ओझा, मैं और चंद्रकांत भाई रामेश्वरम के दर्शन के लिए गए थे, तो आज याद आ गया। लेकिन कोई भी मंदिर है हमारा प्राचीन, तो वहां सुवर्ण कलश होता है। लगता है अभी तो कलश लगाते तो उसका पीला कलर लगा देते हैं, लेकिन जो मूल मंदिर है, बड़े मंदिर है, प्रतिष्ठित मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, उसमें तो वो सुवर्ण का ही कलश होता है। लेकिन उसको गाय के साथ कैसे जोड़ते हैं वो आपको बताऊं। देखो, जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है जिस दिन, तब एक सुवर्ण कलश चढ़ाया जाता है और वो सुवर्ण कलश होलो होता है, खाली होता है, लेकिन उसमें देसी गाय का घी भरा जाता है और वो फिर ऊपर रहता है। दिन में सूर्य की किरणें उस कलश के ऊपर पड़ती है, रात में चंद्रमा की किरण उस कलश के ऊपर पड़ती है, और ऐसा एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, लेकिन 100 साल तक वो कलश रहता है। हमारी प्राचीन जो मंदिर परंपरा है उसमें 100 साल के बाद वो कलश का फिर वहां से विस्थापन करके नया कलश का स्थापन किया जाता है। लेकिन 100 साल तक जो वो रहा, जो कलश था,
उसका जो कलश में जो घी भरा गया उसके अंदर बहुत बड़े मेडिकल उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और बड़ी एक मेडिकल क्वालिटीज डेवलप होती है। और वो जब मंदिर से कलश उतरता है और नया राजा है या नगर सेठ है दूसरी ओर की ओर से फिर से ऐसा घी भर के चढ़ाया जाता है। लेकिन जो सुवर्ण कलश नीचे उतारा गया वो जो सुवर्ण है वो तो गरीब लोगों को ब्राह्मणों को ऐसे महिलाओं को वो दान में दिया जाता है। लेकिन अंदर का जो घी है उसकी मुझे आज बात करनी है। जो हमारी भारतीय परंपरा थी वो घी उस विस्तार के राजवैद्य को दिया जाता है और वो राजवैद्य उसकी ट्रीटमेंट में उसका उपयोग करता है। 100 साल तक चंद्र किरण सूर्य किरण चंद्र किरण और सुवर्ण पात्र में रहने से उसमें एक बड़ा इंप्रूवमेंट आता है, एक मेडिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। और वो कहा जाता है कि उस समय का राजा उसको जो राजवैद्य को जब सर्टिफिकेट देता है तब एक प्रॉमिस रहता है उससे कि जहां से सुवर्ण कलश दिखता है उस एरिया में कोई बीमार न पड़े, क्योंकि उसको वो घी दिया जाता है, उस घी से वो औषधि बनाता है और वो उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से गाय के घी की और सुवर्ण कलश की बड़ी महिमा थी। हम लोग हमारी परंपरा को याद करेंगे। देखो घी जब मैंने बताया 100 साल है उसको तो पुराण ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन फिर 500 साल कुंभी, फिर 1000 साल महासर्पी, फिर प्रपुराण यानी 5000 साल, हयोमिन ग्रंथ यानी 10000 साल पुराना ग्रंथ का नाम आयुर्वेद में लिखा है। उसकी क्वालिटी क्या है, उसका उपयोग क्या है, कौन से रोग में उपयोग होता है, आप सोचिए तो सही। 5000 साल घी रखना, उसकी क्वालिटी को चेक करना, उसको क्लिनिकल ट्रायल में लेना और वो बहुत कॉन्फिडेंस से चरक संहिता में उसका वर्णन होना या भाव प्रकाश में उसके बारे में बताना, ये हमारे प्राचीन मनीषी उनके पास कितनी क्षमताएं थी, कितना ज्ञान था। शायद हम घी के हमको मालूम नहीं कि घी की सेल्फ लाइफ क्या है। तो सामान्य जो घर में घी बनता है उसकी सेल्फ लाइफ 2.5 महीना है, उसके बाद वो औषध में जरूर उपयोग होता है। तो कुछ बातें जो बतानी थी आपको तो घी के बारे में गाय के बारे में आपके सामने रखी। फिर से मैं नीलम को बताऊंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। थैंक यू सर। हितेश सर का वक्तव्य रोज सुनते हैं, कुछ ना कुछ नया गौ माता के अनमोल रहस्य ग्रुथ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, तो ऐसा लगता है कि ये नवरात्रि मेरी तो सार्थक गई है। हम 5 महाभूत से बने हैं, प्रकृति नित्य संगीत में और फिक्स ताल के साथ चल रही है। स्वाभाविकतः प्रकृति के हर एक अंश, चाहे वह ऋतु जीव मात्र ही क्यों न हो, वायु पानी इत्यादि सबका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता ही है। बस इसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हुए आज हम शरद ऋतु और मानसिक स्वस्थता के स्पेशल संगीत का राग जो है भीम पलासी को हमारी प्यारी भूमि रावल जी के कंठ से सुनते हैं। उनके बारे में जरा कहना चाहूंगी, वे भावनगर से एमकॉम के साथ संगीत विशारद और शिक्षा विशारद का अभ्यास किया है। तो आइए सुनते हैं लाइव फ्रॉम जामनगर। ओवर टू यू भूमि जी। आदर प्रणाम, नमस्ते। आज मैं आपको राग भीमपला से सुनाऊंगी, जो राग डिप्रेशन के रोगियों के लिए रामबाण जैसा काम करता है और इसके आधारित एक माता जी का गरबा भी सुनाऊंगी। इस कोरोना काल में लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए ये राग खूब उपयोगी है। सूर्यास्त के समय यह राग सुनने से मन की निराशा, ग्लानि और शोक दूर होते। ये काफी थाट का राग है। इसकी प्रकृति शांत गंभीर है। इसके कुछ स्वर इस प्रकार है। अभी हम इस पर आधारित एक माताजी की स्तुति सुनेंगे। Thank you.
तेरे पास लावी और गगन के काट लावी और अवे मंदिर उघाड़ो मोरी माँ गगन तेरी घाट लावे नीरा गगन तेरी घाट लावे लौटा नीरा चंद्रमानो चंदन चंद्रमानो चंदन सूरज चंद्रमानो चंदन आसमानी ओढ़नी माँ टपकियाड़ी भा गगन गिरी घाट आवी गगन गिरी घाट आवी नौरतारीरा अबे मंदिर ना मारना भाड़ो मोरी मा गगन गिरी गगन गिरी घाट लावी नौरतारीरा मन तो ऐसा हो रहा था कि उसको चालू ही रखे आज की रात बहुत रोंगटे खड़े हो गए बहुत ही उम्दा। तो आगे बढ़ते हैं ये समारोह की शोभा बढ़ाने आज के विशेष अतिथि गण जो आए हैं उनको सुनते हैं। स्पेशल एनजीओ नेचुरल इको लिविंग ग्रुप से नेचुरल लिविंग ग्रुप जो NELG है प्रकृति से प्यार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। उनके सुधीर जी NL ने इस आधुनिक जीवन जीने वाले इस रसायन युग में एक आम आदमी ने बिगड़ते स्वास्थ्य से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक की कई मुद्दों के जवाब मांगने शुरू कर दिए और मदर नेचर प्राचीन ज्ञान और इस पारंपरिक प्रथाओं से संभव समाधान खोजने के प्रयास किए। ऐसी प्रथाएं जिनका पालन करना सरल है और प्रभावी पाए जाते हैं वैसे तो NELG के एक्टिविटीज के रूप में अपनाया जाता है और ऑनलाइन लाइव सत्र कई प्रतिष्ठित हस्तियों और दूरदर्शी और विशेषज्ञों के साथ बातचीत के माध्यम से सभी से परिचय कराया जाता है। सुधीर जी कृपया 2 से 3 मिनट में हमें NELG के एक्टिविटीज के बारे में बोध करें। सुधीर जी ओवर टू यू। नमस्कार ऑल, माय नेम इज सुधीर। सो मेरा तो हिंदी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है तो मेरा थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करके मैं आज कम्युनिकेट करता हूँ। नो वरीज सुधीर जी। या नेचुरल इकोलिंग इज ए लिविंग इन हार्मनी विद नेचर विदाउट लिविंग इन रेसिड्यूज ऑफ पोल्यूशन ऑन द एनवायरमेंट ऑल्सो मीन्स ए सस्टेनेबल इकोलॉजिकल वे ऑफ लिविंग आर द एंशियंट ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग आर वेदिक वे ऑफ लिविंग। सो मैं सोचा मैं क्या सोचना है मुझे क्या करना है
हम कैसे रहते थे, आजकल कैसे हो गए, ये सोचते सोचते मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे। फॉर सिंपल एग्जांपल, जो पहले राजा थे और वीर थे, वो उनका तलवार ही 60 किलोस रहता था, उनका आर्मरी पूरा सब 120-110 किलोस रहता था, और वो लोग घोड़े में युद्ध करते थे, बहुत तंदुरुस्त रहते थे, बहुत हेल्थी रहते थे। मगर आजकल के लोग वो अपना कमर भी बेंड नहीं कर सकते, वो नीचे बैठ नहीं कर सकते, वे 25 किलोस का राइस बैग का भी उठा नहीं सकते। तो मैं सोच रहा था सब लोगों का हेल्थ कैसे डिटेल होता गया, और उसका मैं सोचने लगा खाने का जगह में हम ज्यादा केमिकल्स खाने लगे हैं, इसलिए थोड़ा सबका हेल्थ और जनरेशन के बाद वो कम होता रहा। तो मैं इसको सब्जेक्ट को, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल लैंग्वेज में कॉमन मैन के लिए कैसे समझाऊं, तो मैं सोचने लगा। और उसमें हमने 10 एक्टिविटी बनाया है, एक है टेरेस गार्डनिंग, और दूसरा है मिलेट्स एंड रॉ डाइट, तीसरा है मेडिटेशन एंड गाइडेड रिलैक्सेशन, फोर्थ वाला है योगासन, फिफ्थ वाला है केमिकल फ्री लिविंग, नेचुरल हर्बल एंड आयुर्वेदा, सिक्स है पेरेंटिंग, सेवेंथ है फार्म विजिट्स, एथ है नेचुरल फार्मिंग, नाइन्थ है फार्मर्स मार्केट, टेंथ है कोऑपरेटिव स्टोर। सो ये नेचुरल इको लिविंग के बारे में बोलना ही नहीं, उसको प्रैक्टिकल में हम कैसे पालन कर सकते हैं, ये सब हमने एक एक्टिविटीज को मैपिंग किया है। और थोड़ा मेरे बारे में भी बोलना पड़ेगा कि आई एम ए कॉमन मैन इन दिस केमिकल्स रिच मॉडर्न लिविंग, स्टार्टेड सीकिंग आंसर्स फॉर सेवरल इश्यूज, स्टार्टिंग फ्रॉम डिटेरिएटिंग इंडिविजुअल हेल्थ टू ग्लोबल वार्मिंग, एंड मेकिंग एफर्ट्स टू फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस फ्रॉम मदर नेचर, एंशिएंट विजडम एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। And practices are which are simple to follow and found effective, most of which have been in a work since time immemorial and adopted as a natural equilibrium group activities and are reintroduced to all through lectures, the interactive sessions with many eminent personalities, visionaries and experts through online and offline sessions. Now, a natural equilibrium group, NELG, is a platform for every natural equilibrium person to share their experiences to multiply for a natural equilibrium. And so far, we completed 33 meetups, 75 online webinars, and 3-day training program, twice in introduction to Ayurveda, without any participation charges. And our YouTube ka channel bhi hai, usme 250 videos tak record hoya hai. Ye sab ye programs ka, training programs ka recorded webinars hai, series hai. Thank you so much, Sudhir ji. Thank you, ji. Vaktavya ke liye. रोग मुक्त स्वस्थ ऐसी सही जीवन शैली के बारे में आज फिर से कुछ डॉक्टर हितेश जानी जी से सुनते हैं। ओवर टू डॉक्टर हितेश जानी जी। नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारे कोई टिप्स हम देते हैं, शेयर हो रहा है ना? हाँ, तो उसमें मैं आपको आज पादाभ्यंग फुट मसाज का छोटा सा बात करूंगा कि डेली, वैसे तो शास्त्रों ने बताया अभ्यंगम आचरित नित्यम, पूरा दिन मतलब पूरी जिंदगी मसाज करना चाहिए फुल बॉडी, कम से कम जैसे कल हमने नेजल ड्रॉप्स का बताया उसी तरह से एटलीस्ट आप पाँव में थोड़ा मसाज कर लेते हैं तो पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को वहां से स्टिमुलेशन मिलता है, और वो जो ऑयल या घी से अगर हम मसाज करते हैं तो आपका पेन है पूरे बॉडी का जाता है, पाँव का दर्द जाता है, पाँव फटते नहीं, हाथ पाँव की जलन जो पोलिन्यूराइटिस इसको बोलते हैं वो ठीक हो जाता है, साइटिका और इवन पाँव का द्वेपाद मध्य सिरायाम जो पाँव के बीच में जो सिरा है जो चक्षु तक जाती है और उसको वो अनिद्रा का उससे भी नाश होता है। तो मैं इतना ही अभी कहूंगा, लेकिन फुट मसाज आप एयरपोर्ट पे देखते हैं 700 रुपया 15 मिनट का लेते हैं, तो आप अपने पिताजी को दादाजी को नहीं कर सकते, आपकी दादी आपका कर सकती है, आप अपने दादी को दादा का मसाज कर दीजिए, छोटा सा एक 15 मिनट का इवेंट हमको इतना हेल्दी बनाती है। तो बस मुझे इतना ही अभी कहना है क्योंकि हमें मैंने चंद्रकांत भाई को भी सुनना है। ठीक है, ओवर टू नीलम जी। बिल्कुल सर, और हमको भी बहुत डॉक्टर भाई शुक्ला
सुने जो एक्चुअली आपके भी गुरुतुल्य है। के संगठन मंत्री के काल में उन्होंने कई नव निर्माण आंदोलन भी किए हैं। 1992 में गिरनार साधना आश्रम में स्थित पूज्य महर्षि पुनीत महाराज जी से अपने जीवन का बहुमूल्य प्रसाद रूपी मंत्र ओम तत्सत जय गुरु दत्त नमः ग्रहण किया। शायद मैं इसको बराबर से ना भी बोल पाऊं तो तब से आज तक दत्त सहज योग मिशन के चेयरपर्सन होकर इस मंत्र का यूके में प्रचार कर रहे हैं। तो मैं सबकी ओर से उनसे निवेदन करती हूँ कि 2-3 मिनट इस मंत्र की विशिष्टता और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। जी चंद्रकांत भाई। धरम पांडुरंगम शूलहस्तम कृपानिधम सर्वरोग हरम देवम दत्तात्रयमहं भजे। आदरणीय हमारे परम मित्र महर्षि ऐसे तो श्री मैं तो उनको काफी सालों से जानता हूँ, लेकिन इतने बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं जानी साहब, ये तो अद्भुत बात है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ लोक आयुर्वेद का। नितेश जी आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया, सुधर जी, हेमांगिनी जी, फोरम जी, प्रेरणा जी, बहुत अच्छा सबने कहा। मैं आपको 2-3 मिनट में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद में था वो सही था, संगठन मंत्री था वो सही था, सब छोड़कर इंग्लैंड आना पड़ा क्यों पता नहीं, लेकिन इंग्लैंड में रहते रहते मैं एक बार जो भारत गया तो ये महर्षि पुनीताचार्य जैसे मेरी अहमदाबाद में मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे वहाँ बैठ कर आशीर्वाद दिया और फिर मैं आता जाता रहा। तो मुझे जो मिला है वो हितेश भाई जो आपने बताया ना, ये योगानुयोग है। मुझे लगता है दुनिया आज ढूंढ रही है शांति को और सुख को, और ऐसा कुछ है क्या दुनिया में कि जो शांति और सुख दे? तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से 15 नवंबर 1975 को भगवान दत्तात्रेय स्वयं जूनागढ़ की धरती पर पधारे हैं। जैसे विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को पूछा था कि आपने भगवान को देखा है, तो उन्होंने कहा हाँ, वो आप हमको दिखा सकते, तो हाँ। इसी प्रकार जब पुनीताचार्य जी को मैंने पूछा कि आपने भगवान को देखा है, उन्होंने कहा हाँ। भगवान ने क्या दिया, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने हमको मंत्र दिया। आज भी भगवान उनके साथ है। भगवान जो 5 तत्व जो है, वायु के स्वरूप में दर्शन दिया, अग्नि के स्वरूप में दर्शन दिया, पृथ्वी के स्वरूप में दर्शन दिया, आकाश के स्वरूप में दर्शन दिया, आप मानेंगे? आज कोई नहीं मानेंगे, लेकिन आप जूनागढ़ जा सकते हैं गिरनार साधना आश्रम में। भगवान ने उनको मंत्र दिया उस वक्त, कहा कि ये मेरा मंत्र नहीं है, सब सिद्धों और जो कुछ मुनियों थे उन्होंने कहा कि महाराज ये मंत्र ले जा, और जो लोग इसको करेंगे वो अपने आप को अंदर से सफाई करेंगे। आपका हृदय यदि पवित्र करना है, आपका हृदय यदि निश्चल करना है, निष्कपट होना है, तो आपको ये एक मंत्र बहुत बड़ा है। आज का ये अमोघ शस्त्र है, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। फिर से मैं बताता हूँ, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरि ओम तत्सत। और दत्त का अर्थ क्या है? ददामि आत्म तत्व बोधमिति दत्तात्रेय। आत्म तत्व या तो ज्ञान भी दे और आत्मा की अनुभूति कराए, और दूसरा ऐसा है कि कोई अपना धर्म, कोई अपना गुरु, कोई अपना कुछ बदलना नहीं। मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में, मैं यहाँ यहाँ जो कुछ होम ऑफिस है, होम ऑफिस में सबका क्लास लेता हूँ। या अंग्रेज है, काले है, गोरे है, सब लोग है, सब लोग बोलते हरिओम तत्सत जय गुरु दत्त ओम गम गणपते नमः गुरुभ्यो नमः। मैं कराता हूँ,
बड़े खुल से कराता हूं और सब लोग करते, इसका परिणाम क्या आता है कि परिणाम उनके अंदर पड़ी हुई सुषुप्त जगति को एक अमोघ शक्ति मिलती है, अंदर से परम शांति की अनुभूति होती है, अपना घर बार संसार धीरे धीरे ठीक होता है और उसमें से फिर एक अंदर जाने की प्रवृत्ति होती है। यानी आपको यदि इच्छा है कि मुझे अंदर जाना है, मुझे देखना है कि मैं कौन हूँ, चराचर सृष्टि में व्याप्त एक घनीभूत चिरंतन अखंड अद्वितीय ब्रह्म जो है वो ब्रह्म का साक्षात्कार करना है तो जाइए, बहुत अच्छा समय है आपके पास ये कोरोना का। घर में बैठकर 5-7 मिनट धुन करिए और 15-17 मिनट ध्यान करिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। 5-7 मिनट धुन करना ये चंद्रकांत का अभिवचन नहीं है, ये तो भगवान की देन है, ये हमारे गुरु की देन है। आज भी यदि ऐसे लोग है अपने यहाँ महर्षि है कि जो कह सकते कि मैंने भगवान को देखा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। वो भी आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार है, कभी समय मिले तो आप भी उनके पास जा सकते हैं। तो मुझे इतना ही करूंगा कि 5-7 मिनट धुन करिए, हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त, आंखें बंद करके 15 से 20 मिनट बैठिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सब प्रकार की शांति मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आपका ये जो लोक आयुक्त द्वारा रचित नवरात्रि पावन पर्व जो है वो आप मना रहे और लोगों को जोड़ रहे, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें आई और सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, खासतौर पर हमारे साथी कार्यकर्ता और साथी मित्र भी रहे, वो हमको गुरु के, वो मैं तो किसी का गुरु नहीं हूँ लेकिन हम एक मित्र भाव है और मैं चाहता हूं कि आप यशस्वी बने और सब प्रकार की सिद्धि, सब प्रकार की रिद्धि आपको मिले, इसे माता जी के चरणों में मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं। मुझे जो 2-3-4 मिनट बोलने को कहा था तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मैं नहीं बोलाऊंगा। अच्छा धन्यवाद, कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं आप dsym.co.uk या तो girnarsadhanaashram.org पर जा सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, वहाँ बहुत बहुत वस्तु है जो आपको जानने के लिए मिले, कभी का समय मिलेगा तो और बातें करेंगे। हरिओम तत्सत जय गुरु। हरिओम सर, ऐसी अविस्मरणीय बातें, महान विचार को हम एक घंटे में समाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके इतने अच्छे व्यक्तित्व को हम सुन पा रहे हैं, ये हमारी सौभाग्य है। तो आगे यही जो मंत्र सर ने दिया उसी मंत्र को आगे डॉक्टर हितेश जानी जी आज इस नवरात्रि को दूसरे मंत्र का प्रसाद देकर पावन करें। ओवर टू डॉक्टर हितेश जानी जी। जी, आज माता चंद्रघंटा दुर्गा का जो मंत्र है, ओम एंग रिंग क्लिंग चंद्रघंटाये नमः, आज तीसरी नौरता है और आज का जो मंत्र है मणिपुर चक्र में ध्यान करते हुए अगर हम ओम एंग रिंग क्लिंग चंद्रघंटाये नमः का जाप करते हैं, जैसे अभी चंद्रकांत जी ने आपको बताया कि हरिओम तत्सत जय गुरु दत्त, मुझे सुबह हमारे 2-4 लोग जब चंद्रकांत भाई जी के साथ में काम करने वाले हैं वो मुझे भेजते हैं तो सुबह में वो व्हाट्सएप में सबसे पहले वो पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। और ये ओम एंग रिंग क्लिंग चंद्रघंटाये नमः आज का मंत्र है। आज माता जी को नैवेद्य में हम रबड़ी या खीर का भोग लगाते हैं, डॉक्टर प्रज्ञा बेन ने आपको बताया, आपके सामने बहुत सी बातें आई है, बहुत से एक्सपर्ट को और भी बाकी के दिनों में सुनना है। मैं माननीय चंद्रकांत भाई का और हमारे सुधीर जी का और बाकी सब लोगों का आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। नीलम जी अंत में जो भी बात है वो आपके सामने रखेगी। नमस्कार। डॉक्टर शुभ मंगला जी, डॉक्टर शुभ मंगला नहीं दे रहा है ना, थैंक यू आप सबको हमारे साथ तीसरी रात्रि जुड़े रहे, आशा है आप सबको मजा आया होगा और बहुत ज्ञान भी मिला होगा क्योंकि रोज इतने ज्ञानी लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन यूट्यूब पर जुड़े सारी ऑडियंस को धन्यवाद और नवरात्रि की शुभकामनाएं।
मिलते हैं कल फिर इसी समय 9 से 10 YouTube पर डॉक्टर हीदर जानी जी द्वारा माँ के चौथी स्वरूप के साथ और आयुर्वेद की तीसरी औषधि और अविश्वसनीय फैक्ट्स और भूमि जी के संगीत, हिमांकी जी के नए योग स्टाइल और प्रज्ञा जी के नए शरद ऋतु के नए रेसिपी सबके साथ कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुभरात्रि। शुभरात्रि, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू सुधीर जी।